बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं इनायतुल काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। ईओ बीआई के पेंशन के हवाले से कुछ हौसला अफजा मालूमात मिल रही हैं। हौसला अफजा मालूमात में कुछ जाहिरी शवाहद हैं और कुछ इतलात हैं, और जो जाहिरी शवाहद हैं उसमें मुआविन खसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो कहीं नहीं जा रही है और अगले 5 साल भी पीटीआई के होंगे। ये तो उनका सियासी बयान है। उन्होंने जो अहम बातें की हैं ईओबीआई के हवाले से वो भी मैं आगे चल के बताता हूं आपको। उन्होंने कहा है कि सरकारी नीम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। ये वो पहले भी कहते रहते हैं लेकिन इस मरतबा उन्होंने बड़ा ही जोर दिया है इस बात पे, और वो ये कि सरकारी नीम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का जो मसला है उसको बहुत जल्दी हल कर लिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी मुलाजमीन को भी पेंशन की सहूलत हासिल होगी। ये उन्होंने दूसरी बड़ी अहम बात की है कि मैंने आपको बताया था, आपने पीर साहब का वीडियोस में काफी सारे में बता चुका हूं कि हुकूमत की कोशिश ये है कि सरकार के साथ साथ गैर सरकारी जो मुलाजमीन है उनके लिए पेंशन का बाकायदा सिलसिला शुरू किया जाए। एक तो ये हुकूमत की कोशिश है और वो इस पर काम भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहरहाल एक तरफ मुआशी बहरान है, दूसरी तरफ एक कोशिश काबिश हो रही है। फिर उन्होंने बात की है कि जी हमारी कोशिश है कि हर इंसान को एक तो रोजगार का हक मिले और रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन भी मिले ताकि उसकी जिंदगी जो है वो पुरसकून हो। ये उन्होंने तीसरी बात की है और ये भी बहुत अहम है मेरे हिसाब किताब से, मेरी सोच समझ के मुताबिक, कि हर इंसान को रोजगार भी मिलना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद ही जो उन्होंने बड़ी बात की है ईओबीआई से मुतलक वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हमने पेंशन 5250 रुपए से 8500 रुपए की है। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि उन्होंने की है, लेकिन उन्होंने इस बात का यकीन दहानी कराई है कि आने वाले कुछ दिनों में हम बुजुर्गों की जो पेंशन है वो 15000 रुपए तक करेंगे। और उन्होंने जो है बड़े वसूख से बात की है कि हम बहुत जल्द जो है बिल ला रहे हैं इस हवाले से और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बुजुर्गों की जो पेंशन है 8500 से 15000 रुपए तक हम इसको लेकर जाएं और इसके लिए हम जो है बहुत जल्द इकदाम कर रहे हैं। ये बात उन्होंने की है। और कुछ जराए जो मेरे जाती जराए हैं उनकी तरफ से भी मुझे पॉजिटिव इशारे मिल रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इन ईओबीआई के बुजुर्गों की पेंशन जो है वो इजाफा करने का कोई प्लान तरतीब दे रही है। बहरहाल आने वाले दिन बहुत अहम है और मेरे ख्याल में 1 जनवरी में 15 दिन मजीद रह गए हैं, 15 दिन रह गए, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें जो है वो आने वाले दिनों में मजीद क्लियर हो जाएगी कि हुकूमत जो है। एक पॉजिटिव इशारा तो एक जुल्फी बुखारी साहब की तरफ से आया है, वो लोग जब जो हमारे साथ अटैच हैं, जो हमें जो है वो खबर देते रहते हैं, उनकी तरफ से भी जो हमें खबर मिली है वो बड़ी पॉजिटिव और मस्बत खबर आई है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह करे बहुत जल्द हमारे बुजुर्गों की पेंशन जो है वो 15000 रुपए हो जाए। और अगर ये 15000 रुपए 1 लाख मेरे ख्याल में नहीं करेंगे, इस साल कुछ ना कुछ इजाफा वार मेरे ख्याल में होने जा रहा है, इतलात यही है। अब आने वाले वक्तों में इसकी जो है मैं इंशाल्लाह इस खबर की मजीद वेरिफिकेशन करूंगा। मैं आज ईओबीआई के हवाले से एक वीडियो मैंने शो की थी, अब मैं करने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन मैंने चूंकि ये अभी मुझे कंफर्म हुई है, कुछ चीजें मुझे इशारे मिले हैं, तो मैंने कहा चलो आपको उसमें शरीक करता जाऊं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक पॉजिटिव खबर जो है वो
आने वाली है। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया प्रेस कर लीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत